दाल और गेहूं कौन लेगा कि रात बैग बट ये हैवी नहीं लगता इतना सामान हो चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो आप सब देख रहे होंगे टीका वीका तो टुडे इज राखी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एज वेल एज हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू और अभी जो मैं क्लिपिंग डालने वाली हूँ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज भोपाल में आई हूँ तो प्रॉपरली ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है इधर उधर 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 कुछ का कुछ हम लोग करते रहते हैं और मेरे दो भाई आए हुए हैं एक इंदौर से आया है और एक भोपाल का भोपाल से आया है तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आप लोगों को इन लोगों से मिलवाती हूँ सो दीज टू आर माई ब्रदर्स ये है अमन हेलो और ये है सागर हेलो तो ही इज़ अ सिविल इंजीनियर एंड वर्क्स इन एन कंस्ट्रक्शन फर्म एंड ही हैज़ हिज ओन बिजनेस तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर एंड ब्ला 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 मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी सो इफ़ यू आर इन इंदौर यू कैन कॉन्टैक्ट विद हिम और काफ़ी छोटे छोटे हैं मुझसे अब इतने सीरियस मत बैठो बैक फ्रॉम भोपाल एंड आई स्टेड इन भोपाल फॉर 7 days मतलब मैं संडे को गई थी और वापस संडे को आई हूँ तो उस पूरे 7 days में मैंने प्रॉपर 24 hours का जो एक ब्लॉग होता है ना कि प्रॉपर एक दिन का ब्लॉग होता है मैंने वो नहीं किया है बिकॉज मैं इतनी बिजी थी मैं हर बार भोपाल जाने से पहले सोचती हूँ कि मैं एकदम प्रॉपर ब्लॉग करूँगी या मैं मीट एंड ग्रीट रखूँगी या मैं ऐसा करूँगी मैं वैसा करूँगी बट ट्रस्ट मी मेरे पास 100 काम इतने सारे काम आ जाते हैं इतने सारे ट्रैवलिंग हो जाती है मतलब इस बार ये हाल था कि मैं अपने जो फैमिली रिलेटिव्स हैं मैं उन लोगों तक से नहीं मिल पाई हूँ इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाई हूँ इतने हम लोग बिजी थे बिकॉज हमारे पास एक एक्स्ट्रा
बैंक के दो तीन बहुत अर्जेंट काम थे तो हमको वो करवाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बिजी थी. तो मैंने भोपाल में प्रॉपरली ट्रस्ट मी ब्लॉगिंग नहीं करा. एक तो ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला वो अलग चीज़ है, और दूसरा मेरा वहाँ जा करके मन भी नहीं करता है ब्लॉग करने का. जबकि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ भोपाल इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, और भोपाल में इस वेदर के टाइम पे मतलब इस सीज़न में बहुत सीनिक ब्यूटीज़ होती है. भोपाल इज़ फुल ऑफ यू नो, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा या विजिट करे होगा, या जो भोपाल के उनको तो पता ही होगा. तो इट्स वेरी ग्रीन और यू नो प्रॉपर लेक एकदम जो है फुल भर जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है. बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज एज यूजल पता नहीं वहाँ जाके मुझे क्या हो जाता है, मेरी मम्मी के घर मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, और लेकिन मैं इस बार बिजी भी बहुत ज़्यादा थी. तो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स इनसाइड माय ट्रैवल बैग. मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा दिखाती हूँ कि मैं अपने ट्रैवल बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ. तो ये मेरा दूसरा बैग है और मैं इसमें क्या क्या कैरी करी हुई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बैग इज़ फ्रॉम H&M और डिसेंट प्राइस का ये मुझे मिला था, और आई थिंक मैंने ये डिस्काउंट नहीं था इस पर, बट ये फिर भी डिसेंट प्राइस का था. और काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसके अंदर और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है. कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जो आपको टांगने पे हैवी लगते हैं जब सामान भर जाता है तो, बट आई डोंट नो व्हाट्स द थ्योरी विद दिस बैग, बट ये हैवी नहीं लगता है इतना सामान होने के बावजूद भी. तो अच्छा बिग टोटे बैग है और काफ़ी डिसेंट साइज में है. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग. तो सबसे पहले आते हैं हम छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना. तो आई ऑलवेज कीप माई अम्ब्रेला, मतलब जनरली अगर मैं बड़ा बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि बारिश का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता है मुंबई में, और वैसे भी रेनी सीजन में ट्रैवल करते हो तो अम्ब्रेला ज़रूर रखना चाहिए. तो आई एम कैरिंग दिस अम्ब्रेला. और नेक्स्ट आई हैव दिस शेड केस और इसके अंदर मेरे शेड्स हैं. उसके बाद आई हैव दिस पाउच हैज़ ऑल माई यू नो जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं, लाइक ये है मेरा बैटरी बैंक. उसके बाद ये एक और इसके अंदर पाउच है जिसके अंदर मेरे चार्जर है, फ़ोन का चार्जर. आई हैव टू फोन्स, तो अलग अलग उनमें जो एयरफोन्स होते हैं तो दैट्स वाई वो दोनों मुझे रखना पड़ता है. देन दिस इज़ माई व्लॉगिंग कैमरा, दिस इज़ कैमरे का चार्जर. तो सिर्फ ये चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ. याद आते हैं इसके ऊपर, तो ये मेरा मेकअप पाउच है. दिस पाउच इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड वेरी स्पेशियस. तो मैं सिर्फ इतना ही मेकअप कैरी करती हूँ आजकल, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं मेकअप की मैं वो बताऊँगी, वही एज़ यूजल जो मेरा मेकअप का सामान होता है वो. और दो छोटे साइज़ के परफ्यूम्स हैं, एक तो ये है ज़ारा का, दूसरा ये इंगेज का कूल एक्वा. दिस इज़ रियली गुड, ये बहुत अफोर्डेबल भी आता है, 60 rupees का आता है, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, ट्राई इट आउट. एंड देन उसके बाद माई फोन्स. देन उसके बाद आते हैं एक फेस वॉश जो कि हैंडी सा फेस वॉश है, ये अभी रिसेंटली मेरे पास आया है तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ रियली गुड फॉर ऑयली स्किन, बट हल्का सा ड्राइंग है ये तो इसको, बट ऑयली स्किन के लिए जब वेदर स्टिकी स्टिकी सा होता है ना उसके लिए तो बहुत परफेक्ट है, आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाओ तो आपका चलता है. देन ये है मेरा ट्राईपॉड, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ट्राईपॉड है, और कुछ भी करती हूँ मैं तो मैं जनरली इस ट्राईपॉड को यूज़ करती हूँ, मुझे ये ट्राईपॉड बहुत पसंद है, ये इवन मेरे स्लिंग बैग में भी आ जाता है. फिर उसके बाद आई हैव वन सैनिटाइज़र, माई कोम्ब. मैं इस तरह का कोम्ब यूज़ करती हूँ, नॉट दैट ब्रश वाला जो कोम्ब होता है वो मैं, मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है उससे मेरे बाल अच्छे से कोम्ब नहीं होंगे, तो मैं हमेशा ऐसे जो स्टैंडर्ड वाले कोम्ब्स होते हैं जो पहले चलते थे वैसे ही कोम्ब यूज़ करती हूँ. देन माई टैबलेट्स. उसके बाद आई हैव दिस मॉइस्चराइज़र. देन माई नेल पेंट, ये है कलर बार की चॉकलेट टैन. आप मुझे मोस्टली मेरे वीडियोस में यही वाली नेल पेंट लगाए हुए देखते होंगे. दिस कलर इज सो सो परफेक्ट कि आप इसको चाहें तो ऑफिस में लगा के जाइए बिकॉज दिस इज़ अ न्यूट कलर. आप चाहें तो पार्टी में लगा के जाइए, आप इंडियन पहनिए, वेस्टर्न पहनिए, जो पहनिए, ये हर कलर के साथ जाता है एंड इट लुक्स रियली गुड ऑन माई यू नो विटिश कॉम्प्लेक्शन पे, ये बहुत अच्छा लगता है. इवन अगर आपके हाथ टैन है, जैसे मेरे हाथ काफ़ी टैन है, फेस और हाथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे, तो इट लुक्स रियली गुड ऑन माई हैंड. तो मैं ये वाला कलर ही प्रेफर करती हूँ. देन नेक्स्ट है मेरा प्लानर जो कि मैं भी इसके अंदर रखती हूँ, और ये भी मैं लेकर के गई थी अपने साथ. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर जब आप मल्टीपल वीडियोस बना लेते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा वीडियो कब जाना है, क्या करना है, किस ब्रांड को बात करनी है, या मेरा फिनेंस मतलब मैंने कितना खर्चा किया, क्या मैंने छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना मैं वो भी सब इसमें लिख करके रखती हूँ. तो इसमें मैं इससे मैं अपनी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करती हूँ. तो दिस इज़ रियली गुड, ये प्लानर मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है तो ये आ जाता है इसके अंदर. तो ये प्लानर है. उसके बाद मेरा जो बैग है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है अब.
This is new addition to my bag. So this is my new AirPods, which is really cool. So ये आ गया है. तो अब इसके जो earphones हैं, वो मैं हटा करके replace करके इसको use करूँगी. And next is यहाँ पर ये जो आप section देख रहे हो, उसकी chain है. इसमें मैंने इस तरह से दो bags hang करके रखे. एक तो ये मेरा shopping bag है, जो मैं carry करके, जो मैं ले करके गई थी, क्योंकि if in any case I need something. और इसके अंदर मेरा एक तो ये छोटा सा bag है, जिसमें मेरे memory cards हैं, mobile camera के, वो इसके अंदर रखे हुए हैं. Then मेरी watch इसके अंदर रखी हुई है. मैं इधर उधर पटक नहीं सकती हूँ, क्योंकि scratches आ जाते हैं. और some you know bills पता नहीं काय का रखा हुआ है ये. तो ऐसे random stuff है. And last but not the least, यहाँ पर मैं अपना wallet रखती हूँ. तो ये है मेरा वॉलेट, ये है मम्मी पापा और विक्की की पिक्चर, और ये मेरे घर की है. बिकॉज वॉलेट तो हमेशा हम लेके जाते हैं, मोबाइल और वॉलेट एक ऐसी चीज़ है जो हम जनरली कैरी करते हैं. तो घर की मैंने उसी में हैंग करके रखी है. तो दैट्स इट, ये है मेरा व्हाट्स इनसाइड माय बैग. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे राखी पे क्या गिफ्ट मिला है और मैं घर से क्या क्या लेकर के आई हूँ. सो या लेट्स गो. तो नाउ आई विल शो यू मुझे राखी में क्या क्या मिला है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स से. जैसे ही मैं घर आई हूँ तो मुझे ये बॉक्स रिसीव हुआ है. दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड कॉल्ड एज ज्वेल गैलेक्सी. मैं इसकी पहले भी आपको ज्वेलरीज बता चुकी हूँ. तो इन लोगों ने मुझे एज अ पीआर प्रोडक्ट में सेंड किया है मुझे. सो लेट्स सी कि क्या क्या आया है. कुछ ज्वेलरीज जो है स्टार्टिंग की, वो मैंने आज सुबह खोल के देख ली थी. एक्चुअली जब मैं आई ना, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया. इनफैक्ट सुबह भी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, बिकॉज जब मैं घुसी घर में ना, तो 7 days पूरा घर बंद था. तो इतनी डस्ट हो रही थी. तो हमने तो रात में जब हम आए, तो किचन तो मुझे कुछ ऐसा थोड़े बहुत कीड़े हो गए थे, तो वो मैंने रात में ही क्लीन किया. बिकॉज मैं ऐसे सो ही नहीं सकती गंदगी उसमें. तो रात को वो सब क्लीन करके खाना खाने के बाद हम 2-2.5 बजे सोए, क्योंकि हम 1 बजे एंटर हुए थे हमारे घर में. देन सुबह उठते से ही मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, बट स्टिल आई क्लीन एवरीथिंग. सब चीज़ें उसकी डेजिग्नेटेड जगह पर रखी है मैंने, और अब मुझे घर थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है. तो अब मैं शांति से ब्लॉग कर रही हूँ. और मैं उस टाइम भी कोई ब्लॉग नहीं करती हूँ क्लीनिंग करते टाइम, बिकॉज मैं ऐसी हालत में होती हूँ और मैं गुस्से में सब साफ करती हूँ कि गंदा क्यों हो गया है. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट ब्लॉग. तो ये है मेरा सारे बॉक्सेस. मैं आपको दिखाती हूँ कि किस में क्या क्या चीज़ें आई हैं खोल करके. तो आपको आई थिंक मैंने एक और किसी ब्लॉग में शेयर किया था ना, उन लोगों ने काफ़ी तब इंडियन ज्वेलरीज बहुत सारी आई थी. अभी मुझे इसमें इंडियन कुछ नहीं दिखा है. इसमें मुझे सब वेस्टर्न ज्वेलरीज ही दिखी हैं, जबकि अभी मेरे घर में काफ़ी सारी शादीज है, तो आई एक्चुअली रिक्वायर्ड इंडियन ज्वेलरीज. बट इट्स ओके, आप सूट साड़ी और वेस्टर्न में पहन सकते हो. एक सेकेंड यार, ये खतरनाक तरीके से पैक्ड है. Wow, this looking quite pretty. Let me show you this. So this is looking very very pretty. So these are very expensive and the pieces are really classy. I'm definitely going to give few to my friends as well on their birthday pe. Next hai ye. ओके, तो इसमें 3 पीसेज हैं. एक पर्ल का है, देन उसके बाद इस तरह से स्टड्स भी दिए हुए हैं, और ये बड़े इयररिंग्स भी हैं. तो वन इज दिस वन, सेकेंड वन इज दिस वन, एंड थर्ड वन इज दिस वन. तो इट्स प्रिटी ब्यूटीफुल एज वेल. काफ़ी सुंदर लग रहा है ये भी. मुझे ये भी अगर आप इंडिविजुअली इनको देखो तो ये भी काफ़ी सुंदर है, और आप इंडिविजुअली इनको देखो तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है. ये है नेक पीस. और इसके साथ के इयररिंग्स हैं, जो कि बिल्कुल सेम है, उसी के तरह के हैं. ये देख सकते हो आप. रिंग भी आई है, जो कि एडजस्टेबल रिंग है, तो आप इसको एडजस्ट करके पहन सकते हो. तो दिस इज प्रिटी कूल सेट. ये तो मतलब जो भी पहनेगा वो खुश हो जाएगा, जिसको भी मिलेगा वो खुश हो जाएगा. मैं इतना ज़्यादा वेस्टर्न ज्वेलरीज भी नहीं पहनती हूँ. मैं ज्वेलरी ही नहीं पहनती हूँ, एज यू ऑल नो. मतलब मैं इयररिंग्स तो चेंज ही नहीं करती हूँ, एंड ब्रेसलेट भी मैं नहीं पहनती हूँ. ब्रेसलेट के नाम पे मेरे हाथ में सिर्फ एक वॉच होती है. और तो बट दीज आर रियली क्लासी पीसेस. जो H&M में आप देखते हो ना, जिस तरह की क्वालिटी होती है H&M ज़ारा, ये उस तरह की लेवल के पीसेस दिख रहे हैं मुझे. वाओ, आई एम गोना कीप दिस वन. इट लुक्स लाइक अ बर्थडे ज्वेलरी या एनिवर्सरी पे पहनने वाला. नाइस ब्लैक कलर का कुछ पहनो, और या रेड कलर का पहनो. मतलब मैं इस ज्वेलरी के लिए शायद एक ड्रेस परचेस कर लूँगी, इतनी सुंदर लग रही है. और इसको मैं ही रखूँगी फॉर श्योर.
और इयररिंग्स भी इसके बहुत छोटे से हैं. तो आर यू हूप लवर? इफ यू आर अ हूप लवर देन यू शुड डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर हूप लवर्स. इट हैज 12 हूप्स अलग अलग साइजेस के. If you are a hoop lover, then you should get your hands on this type of thing. This looks so beautiful. मैं hoops भी नहीं पहनती हूँ, but मेरा मन था एक time पे hoops लेने का. तो I'm definitely going to try this one. I'm sure I'm not gonna look good, but मैं try करके ज़रूर कैमरे पे on camera आऊँगी अच्छे से dressed up होके. अभी तो ये definitely नहीं अच्छा लगेगा. This is a bracelet. It looks really pretty. तो ये इयररिंग्स मेरे पास आई हैं. तो आप सूट्स वगैरह में इसको कैरी कर सकते हैं. काफ़ी प्रिटी लग रही हैं ये, हल्की फुल्की सी एंड ब्यूटीफुल सी. ये तो मुझे थोड़ा किडिश सी लग रही है, बट ये दो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं. तो अभी जो है, दिस इज़ अ सेट ऑफ स्टड्स. तो ये सभी स्टाइल्स जो हैं ये काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं. और तो ये है, आपको जिस भी ड्रेस के मैचिंग का पहनना है आप उस ड्रेस के मैचिंग का पहन सकते हो. ये है, तो आई कंसिडर दीज एज माई राखी गिफ्ट, बिकॉज मैं आज आई हूँ घर पे और ये मुझे रिसीव हुआ है. तो इट्स लाइक अ राखी गिफ्ट टू मी. बाकी मुझे राखी पे क्या गिफ्ट मिला है, मुझे सब कैश ही मिलता है और आजकल सब कैश ही देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं थोड़ी सी नखरेली हूँ. तो यू नो, नखरे लोगों का नखरेली हूँ, तो मैं एक को जो खरीदना होता है मैं वो परचेस कर लेती हूँ. बाकी जो मेरे घर से चीज़ें आई हैं वो आप सुनोगे तो हंसोगे, बिकॉज हम लोगों के घर से कैसा सामान आता है, हल्दी, मिर्ची, धना पाउडर, छोले, घी और ऐसे सब चीज़ें आती है. लास्ट टाइम मैं मेरे घर से घी के दो बड़े बड़े डब्बे लेकर के आई थी, शुद्ध घी के, तो वो अभी तक रखे हुए हैं. उसके बाद मेरी मम्मी हल्दी दे देती है, फिर उसके बाद मेरे इन लॉज के यहाँ से इस बार मिर्ची, लास्ट टाइम हम लोग मिर्ची लेकर के आए थे, वो मेरे जो भुआ सास हैं उन्होंने भिजवाई थी, उनके गाँव में बनती है. मेरी मम्मी तो इस तरह की है कि मेरी मम्मी फोर्स करती है मुझे कि दाल भी ले जाओ, चावल ले जाओ, गेहूँ ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ. मैं चिल्लाती हूँ मम्मी बस, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं लाइक मसाले वगैरह हम लोग लेकर के आ जाते हैं वो तो भी सेंसफुल लगता है लाना, बाकी दाल और गेहूं कौन लेकर के जाता है भाई. सब लोग और भी, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी और भी लोग खाते हैं, मुंबई में और भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब मिलता है. घर वालों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी हम खा रहे हैं सब खराब है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अचार, मुझे अचार बहुत पसंद है तो वो अचार आया. तो ऐसी सब चीज़ें आई हैं. मतलब इसको मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, खाने पीने की ही मोस्टली चीज़ें. मेरा पूरा बैग, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे जनरली उसी दिन अपडेट कर देती हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ अपडेट किया था, मेरा जो ब्रीफ केस था उसके अंदर सिर्फ खाने का सामान भरा हुआ था. और मैं दो सूट्स लेकर के आई हूँ. वीडियो आगे फर्दर ले जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगी. जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी मीशो के बारे में. तो मीशो क्या है मैं आपको बता देती हूँ. ये इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप है और वेबसाइट और ऐप है. इसमें होता क्या है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं घर बैठ करके. चाहे तो आप इसको अपनी डायरेक्ट इनकम बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको अपनी पार्ट टाइम इनकम बना सकते हैं. आपको इसमें कोई भी फिजिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है, आपको परचेस करना है, आपका एक पैसा नहीं लगेगा. उल्टा जब आप इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको ही 50 रुपये कैशबैक मिलता है, 25 या 50 रुपये आपको कैशबैक मिलता है वो. और आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सामान आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को पसंद आएगा तो वो प्रोडक्ट्स आपको लेना है. और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, आप किसी पे भी उसको शेयर कर सकते हैं, उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं. उस लिंक के थ्रू अगर शॉपिंग की जाएगी उसका जो भी कमीशन मार्जिन होगा वो डायरेक्टली आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा. तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी. अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है कि कैसे वर्क करता है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर. और दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक इट. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.